वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम आपको कनाडा की इस साल की सबसे पहली स्नो एक्सपीरियंस कराएंगे। ये है मंदीप, मैं हूँ अभिषेक और हम कोइंसिडेंटली आज ग्रॉसरी करने भी जाना था, तो ग्रॉसरी करने भी आपको सारा सिस्टम दिखाएंगे, यहाँ ग्रॉसरी स्टोर्स दिखाएंगे। और आप देख सकते होंगे मेरे हाथ में क्रचेज हैं और मेरे पैर में भी स्प्लिंट डला हुआ है, तो मैं अपनी लेफ्ट लेग हिला नहीं सकता, थोड़ी सी चोट लग गई थी, लेकिन इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। बस मेरे को अपने पैर पे इम्पैक्ट नहीं डालना था, तो डॉक्टर ने क्रचेस मेरे को रेफ़र किए थे। ये भी 7 से 10 दिन के बाद मैं नहीं लूँगा, तो इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। लेकिन आपको ये भी दिखाएंगे, अगर बंदे को शॉर्ट टर्म या कोई लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो, जैसे अभी मेरे को है, और मैंने अकेले ग्रॉसरी करने जाना हो, तो कनाडा में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं उन इंसानों के लिए जिनको कोई भी तरह की डिसेबिलिटी है और अकेले रहते हैं और अकेले ग्रॉसरी करने जाना चाहते हैं। जल्दी से चलेंगे वीडियो में और आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। लेट्स गो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्नो में ऐसे गाड़ियाँ पूरी स्नो से कवर्ड हो जाती हैं। तो आपको ये भी बता दें, यहाँ पुलिस टिकट देती है, आप पर चलान काट देती है अगर आपने अपनी रूफ से, कार की रूफ से स्नो साफ ना की हो। तो अभी मंदीप पूरी गाड़ी से स्नो साफ करेगा और फिर हम चलेंगे ग्रॉसरी स्टोर। मंदीप कैसा लग रहा है गाड़ी लेकर? ठंड लग रही है। साफ हो गई, ड्राइववे भी साफ करना पड़ना, सानू ड्राइववे भी साफ करना पड़ेगा। बर्फ थले छुट्टी है, सारी ड्राइववे को भी साफ करनी पड़ेगी। तो मंदीप आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, अब आपने गाड़ी ले ली है, स्टूडेंट की लाइफ में से निकले हैं आप, इससे कई गुना ज़्यादा जितनी आज स्नो, इससे कई गुना ज़्यादा स्नो में से काम जाते रहे हैं? पहला तो बहुत ज़्यादा औखा रहा यार साडा, मतलब जदों उदों से ग्रॉसरी तो लैके हर एक काम करने वास्ते बस यूज़ करनी पैंदी सी, तो उहदे वास्ते वॉक करनी, ग्रॉसरी चुक के लैके आनी बर्फ च, उदों तो बड़ा औखा सी ना काम। हाथों का क्या हाल होता था? हाथों का हाल तो पूछो मत, बड़ा मंदा हाल होता हाथों का भी, इन्ना कि कभी हाथ एक जेब च पाना, दूजा कटना, तो बहुत औखा होता सी ग्रॉसरी चुक के लैके आना। पर जो दी फिर गड्डी लई आ, सैट आ काम, हुण आपां ग्रॉसरी करनी चले हाँ, चुक के ग्रॉसरी डिग्गी च सुट लैनी है, डिग्गी चों अहीं घरे लै आनी है। हुण तुहानूं पता इह वी औखा लगदा वा कि चुक के डिग्गी जी और रखनी पैंदी है ऐसी। और बहुत इंपॉर्टेंट एक ये भी बात है, इतनी ठंड आपको स्नो में नहीं लगेगी जितनी स्नो के बगैर ठंडी हवा अगर हाँ। चल रही हो ना, बहुत तब बहुत ठंड लगती है। इस मौसम में मैं बाहर चल सकता हूँ, प्रेफर कर सकता हूँ, लेकिन अगर ठंडी हवा चल रही हो बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है खड़ा होना अभी बाहर। तो स्नो, आई वुड प्रेफर स्नो ऑल डे रादर देन हैविंग अ विंडी डे, कोल्ड विंडी डे। तो अभी हम बस ग्रॉसरी स्टोर पहुंचने वाले हैं और आपको दिखाएंगे। दोस्तों ऐसे ग्रॉसरी स्टोर में स्टोर के बिल्कुल आगे वाले स्पॉट्स जो होते हैं वो रिजर्व्ड हुए होते हैं उन लोगों के लिए जिनको किसी तरह की डिसेबिलिटी है या जो हैंडीकैप्ड है, ताकि वो स्टोर के पास ही उतरे, अपनी गाड़ी लगाएं और चले जाएं। ज़्यादातर ग्रॉसरी स्टोर्स जो बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बाइक पड़ी होती है, इस पर जो भी जिन लोगों की डिसेबिलिटी होती है या फिर उनको रेस्ट्रिक्शन होती है कोई मूवमेंट पे, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ग्रॉसरी कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज भी नहीं होता और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है खुद ही यूज़ कर सकता है, किसी से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, किसी से पूछना नहीं पड़ता, आप खुद ही बैठ कर जा सकते हैं।
कैसे पता चलता है कि टमाटर अच्छा है या नहीं है? दिखाइए कैसे पता चलता है। टमाटर सुंदर होना चाहिए। सुंदर होना चाहिए। एक सुंदर और एक गंदा टमाटर दिखाओ। एक ये सुंदर है और ये गंदा सा लग रहा है, ये देखें। एक खासियत दोस्तों यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स की ये होती है कि यहाँ हर कल्चर हर कंट्री की कुछ ना कुछ चीज़ मिलती ज़रूर है, क्योंकि कनाडा में इतनी मिक्स्ड कम्युनिटी रहती है, अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, तो हर एक तरह की कंट्री के लोगों का खाने की वैरायटी यहाँ प्रेजेंट होती है। यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा आलू बड़े हैं, कम से कम 6-7 टाइप्स के आलू बड़े हैं, ये देखिए। रेडी जी यहीं वेखी ही बस हम बर्तनी पहन रही है। दोस्तों अब हम लेने जा रहे हैं कनाडा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो अभी मनदीप लेगा और आपको दिखाएगा और डिस्क्राइब भी करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोई भी अपनी ग्रॉसरी में नहीं छोड़ सकता, कोई भूल नहीं सकता, नहीं तो ज़िंदगी रुक सकती है, क्या है वो चीज़? दिखाइए और डिस्क्राइब भी कीजिए, क्या है ये? ये है टॉयलेट पेपर। ये वो कागज़ है जो सिर्फ ये बाथरूम में यूज कर सकते हैं। ये वो कागज़ है जो हमें बताया नहीं गया था स्कूलों में कि ऐसा कागज़ जरूरी होगा, पर हानू पता लगा कि एदी महत्ता जिंदगी च की है ये कागज़ की। थैंक यू। तो मनदीप आप कुछ बताना चाहोगे अपने पुराने टाइम के बारे में, जब आप नए नए आए थे, अब तो आपको ढाई साल होने वाले हैं। जो तो नवे नवे आए हैं इतने, चलो जलो ही जिन्नी बारी भी सुपर स्टोर आना तो की ना था यो जी करना कि जिन्ना खरीद सकते जी खरीद लो, जी करता सारा कुछ ही करे रह। इतना सामान बढ़ाता था, और क्योंकि हम इंडिया में अपने मम्मी पापा के साथ ग्रोसरी करते थे, वो सारा कुछ लेने नहीं देते थे, कर दे आप ही कर लेते ही आया यार, तो यहाँ दिल करता है सारा कुछ ही ले ले। फिर क्या इतना मतलब इतना की कहते हैं आँखों के इतना सामान आता कि भाई सारा कुछ कर ही ले यार, होने दे चल पता है। लेकिन अब मनदीप ने यहाँ क्या क्या लिया है? मनदीप ने सिर्फ एसेंशियल चीजें ली हैं, प्याज लिया है, आलू लिए हैं, हॉर्न की लेना तो अभी आपको एक और चीज दिखाएंगे जो सिर्फ अमीर स्टूडेंट लाइफ में ही लोग खरीद सकते हैं। हम भी पहले नहीं खरीदते थे, जब हम अमीर बन गए नहीं पहला खरीदते थी, पर पहला ही लो क्वालिटी तक खरीदते थी, हम आपको थोड़ी बढ़िया क्वालिटी देखी। ये क्या है? इसे क्या बोलते कहते हैं? पेपर टॉवल। ये वो कागज है जो सिर्फ बाथरूम के बाहर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये बाथरूम के बाहर इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत फायदे ने, असी रसोई की सफाई अपना जेडे लोग उंगलों में बेल बेल खाते हैं उन्होंने आप चीज़ा फड़ाने कि तुम गंद ना पायो, कागज रखो अपने लागे तो पहुंची जाओ। ये बाथरूम से बाहर और ये बाथरूम के अंदर यूज कर रहे हैं। फादर ऑफ नैपकिंस। फादर ऑफ नैपकिंस। ओके। गाला सेब, एप्पल एम्पायर सेब, मैकिंटोश सेब, मैकिंटोश। बाकी तो ये रंग देख लो, इन्हें नहीं मेरे को दिखने में सभी एक जैसे लगते हैं। और ये है एप्पल रेड डिलीशियस, ये है एप्पल स्पार्टन, ग्रीन एप्पल, गोल्डन एप्पल, एप्पल गोल्डन कहते हैं, गोल्डन एप्पल,
एप्पल हनी क्रिस्प, एप्पल कॉस्मिक क्रिस्प, लाइटर ग्रीन एप्पल, लाइटर ग्रीन येलो एप्पल, एप्पल ग्रैनी स्मिथ, एप्पल पिंक लेडी, एप्पल कॉटलैंड, और लास्ट वाला कौन सा है? पिंकी इधर है, लास्ट वाला बेटा एप्पल फूजी। फूजी 10 तरह के एप्पल हैं। तो अभी हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है, अभी हम कैश आउट कराने जा रहे हैं, सेल्फ चेकआउट कराएंगे, हम खुद ही कैश आउट कर सकते हैं उसमें। मंदीप आप क्या कर रहे हो? मैं सेल्फ चेकआउट कर लगा, जो भी मैं सामान खरीदा मैं हूँ आप स्कैन करके आप लिफाफे च पा के आप सारा कुछ करूँगा, मतलब इतने कोई भी मेरा सिस्ट करने वाला नहीं है। मंदीप मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी पहले यहाँ से चोरी की है बिना स्कैन किए हुए कोई चीज़ लेकर गए हो? इधर चेहरा देख कर मास्क नीचे कर कर बताइए। क्या आपको मैं ऐसा लगता हूँ? ना अभी होता ही कही। तो जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं भी इसी स्टोर में एज पीसी एक्सप्रेस क्लर्क के तौर पे काम करता था। तो होता क्या था, जो लोग ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑर्डर करते थे उनकी मैं ग्रॉसरी ग्रॉसरी स्टोर में जो पिकर्स होते हैं वो रेडी करके रखते थे, और मैं बाहर गाड़ी में लोड करने आता था। जैसे आप देख सकते हैं ये भी एक एम्प्लॉई है जो गाड़ी में ग्रॉसरी लोड कर रही है, तो ऐसे मैं भी एक काम करता था। तो मैंने जैसे अभी आपको दिखाया वो ही काम मैं भी करता था इसी ग्रॉसरी स्टोर में। बहुत मुश्किल होती है ठंड में जब आपको बाहर आना पड़ता है स्टोर में से, हीट में से, और ग्रॉसरी पूरी लोड करनी पड़ती है, तो काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों की। काफ़ी अच्छा लगता है कि सभी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। और आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे आज का व्लॉग था अगले आने वाले व्लॉग भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। समझ गए? ओके बाय।